अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक बहुत ही डिफरेंट सी बिरयानी शेयर कर रहे हैं जिसका नाम है काली मसूर चिकन बिरयानी। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है। बिरयानी तो आप लोग हमेशा बनाते होंगे, पर एक बार आप हमारी ये स्टाइल की बिरयानी ज़रूर बनाएं। तो चले चलते किचन में बनाते हैं चिकन बिरयानी। अब हमने यहाँ पर ले लिया है 1 किलो चिकन, अब हम इसे मैरिनेट कर देंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून हम हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मिर्ची कर सकते हो। यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर। मिर्ची आप चाहे लाल मिर्च ज़्यादा डालें या ग्रीन मिर्च डालें, अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लें। अब यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून हमें ऐड करना है धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे हम हल्दी पाउडर, और अब ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा करें, जितना आप तीखा मतलब नमकीन खाते हो। अब यहाँ पर हम 200 ग्राम ऐड कर देंगे दही, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथ चम्मच की मदद से, चारों तरफ से इसे मिक्स कर देंगे ताकि जो मसाले वगैरह है वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे। और अब यहाँ पे हमने अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर दिया है मसालों के साथ। अभी हमें 1 घंटे के लिए इसे रख देना है साइड में, ताकि जो चिकन में हमने मसाला लगाया वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और चिकन का जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से मसाले चिकन में लग जाए। अभी हमने बिरयानी के लिए गरम मसाला निकाल दो। हमने 20 ले लिया है ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून लिया है शाहजीरा, 5 लिए है हरी इलायची, 2 लिए स्टारफूल, 2 टुकड़े लिए है दालचीनी के, 2 लिए है काली इलायची, और 1 टेबल स्पून लिया है ज़ीरा। अब हमने यहाँ पे रख दिए कढ़ाई, हमने वही कढ़ाई ली जिसमें हमने बिरिस्ता बनाया था, ये वही कढ़ाई है। देखिए इसमें बिरिस्ता भी नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर हमने 2 कप भर के कुकिंग ऑयल डाल देना है मसाले के लिए, और यहाँ पर जो सारा गरम मसाला हमने अभी निकाला था ना वो हम इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा तड़कने देंगे इसको, तो थोड़ी सी स्मेल आने लगी, अच्छी खुशबू आने लगी मसाले की। तो अब यहाँ पे गरम मसाला जो तेल में अच्छी तरह से फ्राई हो गया, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे प्याज का पेस्ट। हमने 3 प्याज को मिक्सर में पीस के पेस्ट बना लिया था, वो ऐड करेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि गोल्डन हो जाए। देखिए हमें इतना गोल्डन हो गया, थोड़ा सा और गोल्डन करना है। और यहाँ पर चिकन को मसाला लगा के 1 घंटा हो गया था, तो हम यहाँ पर अब चिकन को ऐड कर देंगे 1 घंटे बाद। अब जो प्याज यहाँ पर अच्छी तरह से गोल्डन हो गई थी, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे चिकन, और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चिकन को मैरिनेट करके रखना ज़रूरी है। जब हम चिकन को मैरिनेट करते हैं तो चिकन में अच्छा सा टेस्ट आता है, नमक वगैरह सब उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, तो इसे मैरिनेट करके ज़रूर रखें। अब यहाँ पे हमने ले लिया है 6 टमाटर, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पहले चिकन को भून लेंगे, और 2-3 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देंगे ताकि जो हमने दही और चिकन का जो पानी है वो निकल जाए। इसे हमने 2-3 मिनट ढक के रख देंगे इसको। अब यहाँ पे 2 मिनट हो गए, तो हमने ढक्कन हटा के देखा है, तो देखिए चिकन में जो पानी है दही वगैरह का चिकन का वो ऊपर आ गया है। अब हम इसे अच्छी तरह से फास्ट आंच पे भून लेंगे। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे टमाटर, जो हमने 6 टमाटर लिया था उसे बारीक कट कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे, और टमाटर को भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसमें हमने ले लिए हैं 4 बड़े साइज़ के आलू, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे इसको, ताकि आलू और टमाटर अच्छी तरह से मसाले मिक्स हो जाए। अब हमें यहाँ पे टमाटर और आलू को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इसे 5 मिनट हम पका लेंगे फास्ट आंच पे, ताकि जो टमाटर का पानी है वो सूख जाए। अब हमें यहाँ पे चावल बॉईल करना है, तो चावल बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पे ले लिए गरम मसाला। हमने 2 लिए हैं बड़ी इलायची, 5 लिए हरी इलायची, 15 से 20 लिए हमने काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून लिया है शाहजीरा, और 1/2 टेबल स्पून हमने लिया है ज़ीरा। अब यहाँ पे देखिए पानी जो है थोड़ा सा गर्म हो गया, तो हम यहाँ पे सारे गर्म मसाले इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से बॉईल कर देंगे। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे, और थोड़ा सा हम डाल देंगे पुदीने के पत्ते, और थोड़े से हम डाल देंगे कड़ी अपना हरा धनिया, और इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। जब इसमें बॉईल होगा तो हम चावल ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए चावल में पानी में बॉईल आ गया, तो हम चावल ऐड कर देंगे। सारा चावल हमने यहाँ पर 1 किलो लिया है चावल, बिरयानी का चावल, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे नमक। अब हमने यहाँ पे सारा राइस में डाल दिया है और नमक ऐड कर रहे हैं, तो नमक ज़्यादा ऐड करें, क्योंकि जो चावल का बिरयानी का चावल है उसमें नमक ज़्यादा डालना पड़ता है। हमने 3 टेबल स्पून इसमें नमक डाला है, और अगर हम इसमें नमक कम डालेंगे तो जो चावल है ना बहुत फीके फीके लगेंगे, तो इस बात का ध्यान रखें नमक थोड़ा ज़्यादा डालें, क्योंकि पानी पूरा हमें फेंकना है। अब यहाँ पर 2-3 मिनट हो गए, तो देखिए जो टमाटर है ना वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो गया है, और जो इसमें पानी था वो भी थोड़ा ड्राई हो गया है। हमें इस तरह से ग्रेवी चाहिए। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा डाल दिया है पुदीना, और थोड़ा सा हमने कोथमीर इसमें डाल दिया है। अभी जो मसाला है बिरयानी का वो पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब इसे हमने गैस बंद कर दी है। हमने यहाँ पे चिकन को फास्ट आंच पे पकाया था कि ज़्यादा चिकन गल ना जाए, क्योंकि हमें चावल के साथ भी चिकन को गलाना है ना, इसे थोड़ा सा हमने कसर रखी है चिकन की। अब यहाँ पे हमने ले लिया है बिरयानी मसाला, आप कोई भी ब्रांड का बिरयानी मसाला ले सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हकीम का लिया है बिरयानी मसाला, अब हमने इसमें यहाँ पे 1/2 पैकेट बिरयानी मसाला डाला है, और यहाँ पर हमने बिरयानी मसाले का 1/2 पैकेट का इस्तेमाल किया है, हमने फुल पैकेट नहीं डाला है।
हाफ पैकेट आप रख दे और अभी चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर दे। और ये है बिरयानी का मेन पार्ट जो है, ये है ब्लैक कलर की जो दाल होती है ना मसूर की, वो है। हमने इसको ना बॉईल कर लिया था थोड़ा सा, थोड़ी कच्ची है ये, हल्का सा हमने थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था। अब यहाँ पे देखिए जो मसाला है वो रेडी हो गया है, तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी दाल को यहाँ पे ऐड किया है मसाले के साथ, और आधी दाल हम जब तह लगाएंगे तब उसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मसाले के साथ थोड़ी दाल को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं मसाले में। अब यहाँ पे जो है मसाला रेडी हो गया है, तो हम तह लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चावल को जो हमने छन्नी में डाल के रखा था ना बॉईल करके, वो चावल रेडी हो गया है। तो हम थोड़ा सा चावल पहले हम नीचे पतीली में डाल देंगे ताकि जो मसाला है वो जले ना नीचे। आप कभी भी बिरयानी बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें नीचे पूरा मसाला ना डालें, थोड़े से पहले चावल बिछा दें ताकि जो मसाला जले ना। अब यहाँ पे देखिए हमने चावल को इस तरह से बिछा दिया था, अब यहाँ पे हम सारा मसाला इसमें डाल देंगे और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि जो चिकन विकन है वो सब अच्छी तरह से पतीली में चारों तरफ से मिक्स हो जाए, और न जब हम निकालें जब चावल को तो वो चिकन वगैरह भी सब आए। अब जिस तरह से बिरयानी को तह लगाते हैं हमें उस तरह से तह लगाना है। तो हम यहाँ पे सारा मसाला इसमें डाल दिया, अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे हरा धनिया, पुदीने के पत्ते डाल देंगे जितना हमें डालना है, 2 टेबल स्पून हम के हिसाब से हमें डाला। यहाँ पे हमने जो प्याज को फ्राई करके निकाला था ना, हमने 5 प्याज को ब्रिस्ता बना के निकाल दिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे, आखिर में हमने इसमें मसाले में ऐड नहीं किया है, जब हम इसकी तह लगाएंगे तब हम यहाँ पे देखिए हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे अब तह के ऊपर। तो हम आधी प्याज इसमें डाल देंगे मसाले के अंदर, आधी हम ऊपर और ऐड करेंगे। हमें यहाँ पे ब्रिस्ता ना हमने आखिर में ऐड किया क्योंकि हमें चावल के साथ इसे पकाना था, अगर हम पहले मसाले साथ पकाते तो एकदम सॉफ्ट हो जाता मसाले में, मसाला बन जाता, तो हमें वो नहीं चाहिए था, इसलिए हमने इसमें आखिर में ऐड किया। अब यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर, और यहाँ पर हमने 1 नींबू का जूस निकाल के इसमें ऐड कर दिया है। नींबू से इसमें जो थोड़ा सा खट्टापन भी आएगा वो भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम डाल देंगे 5 से 6 हरी मिर्च डाल देंगे, अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो ना डालें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम यहाँ पे ऐड किए। और यहाँ पे जो बची हुई दाल थी ना वो हम ऐड कर देंगे मसाले के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए हम अच्छी तरह से सारी दाल जो है अच्छी तरह से मिक्स कर दी है। अब यहाँ पे हम चावल ऐड कर देंगे, चावल हमने इतना पकाया है कि इसमें 1 कनी बाकी है पकना, तो अब जब हम दम रखेंगे तो वो 1 कनी की जो कसर है वो भी पक जाएगा चावल, तो सबको पता है कि बिरयानी का चावल कितना पकाना चाहिए। अब यहाँ पे चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मसाले के ऊपर जो बची हुई दाल थी, अब हम यहाँ पे पूरी बची हुई दाल को डाल देंगे और इसी तरह अच्छी तरह से फैला देंगे चावल के ऊपर। और फिर से हम इसमें ऐड कर देंगे लाल प्याज डाल देंगे, हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, फिर से हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी इसमें हम डाल देंगे, आखिरी तय है। अब चावल को अच्छी तरह से वापस इसके ऊपर डाल देंगे और फिर से फैला देंगे, और फिर से हमें वापस इसमें प्याज ऐड करनी है और हरा धनिया और पुदीने के पत्ते हमें ऐड करने हैं। आप सोच रहे हैं कितने बार ये डाल रहे हैं हरा धनिया पुदीना, आपकी चॉइस है, आप चाहिए तो एक ही बार डाल के इसके तह लगा दें, लेकिन हमने यहाँ पे 2 तह लगाई है इसकी दाल की। अब यहाँ पे हम 1 कप भर के इसमें दूध ऐड करेंगे, और हम यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे खुशबू के लिए, जब बिरयानी दम आएगी ना तो इसमें खुशबू आएगी। और यहाँ पर हम 2-3 ड्रॉप इसमें ऐड कर देंगे केवड़ा वाटर के, और यहाँ पे केवड़ा चना डालने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे येलो फूड कलर। हमने यहाँ पे 2 कलर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो 1 ही कलर डालें, हमें इसमें 2-3 कलर डालना अच्छा लगता है, तो हमने यहाँ पे एक येलो और एक ऑरेंज कलर ऐड किया है। और यहाँ पे हम लास्ट में ऐड कर देंगे देसी घी डालने से ना इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, जब ये दम पर आएगी ना बिरयानी इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी, तो आप थोड़ा सा इसमें देसी घी ज़रूर ऐड करें। अब यहाँ पे जो बिरयानी है वो पूरी तरह से सब कुछ रेडी है दम के लिए, अब हम सब चीज़ें इसमें डाल दी है, अब इसे हम दम पे रख देंगे। अब हम इसे दम पे रखें, दम पे रखने के लिए हमने यहाँ पे ना गैस को रखा है 5 मिनट के लिए फास्ट आँच पे। देखिए आपको गैस नज़र आ कितनी फास्ट है, क्योंकि हमें 5 मिनट के लिए फास्ट गैस पर पकाना है ताकि जो चिकन में पानी वानी है वो सब अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और 5 मिनट बाद हमें गैस को कर देना है एकदम स्लो पे, दम पे रखना है हमें 15 मिनट के लिए, ताकि जो चावल भी जो 1 कनी है वो भी बन जाए। अब यहाँ पे देखिए 15 मिनट हो गए थे, तो हमने यहाँ पे ढक्कन हटा के देखा तो कि चावल वगैरह भी अच्छी तरह से दम पे आ गए हैं, और माशाल्लाह बिरयानी की जो खुशबू है उससे हमारा पूरा घर महक रहा था, और जो बिरयानी इतनी टेस्टी बनी थी ना कि आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना हमारे कहने पर। अब यहाँ पे देखिए बिरयानी हो गई है रेडी खाने के लिए, तो हमने यहाँ पे ऊपर से डाल दिया है पुदीने के पत्ते, हरा धनिया और लाल कीवी प्याज हम डाल देंगे, और यहाँ पे जो बिरयानी है वो रेडी हो गई, अब इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। और फिर से आप बोलेंगे कि फिर से हमें इसमें हरा धनिया, पुदीने के पत्ते और प्याज डालना है, चॉइस आपकी, अगर आपको ऊपर से डालना है तो डालिए, अगर नहीं डालना है तो ना डालिए, क्योंकि जब सर्व करते हैं तो ये सब डाल के जब सर्व करें तो अच्छा लगता है देखने में।
और यहाँ पे बिरयानी हो गई है रेडी, इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये है बिरयानी का फाइनल लुक। देखिए हमने यहाँ पे हरा धनिया, पुदीना और हरी प्याज डाला है, तो देखने में कितनी अच्छी नज़र आ रही है ये। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको बिरयानी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें। अब यहाँ पे हमारी मेहनत हो गई ख़त्म, हमने बिरयानी बना दी है। अब हमारी मेहनत को आपको ले जाना है आगे। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।